येलो एक्रेलिक कलर लिया हुआ है। इस येलो कलर में हम फेविकॉल मिक्स करेंगे और साथ में पानी को मिक्स करते हुए कलर को अच्छे से मिक्स करेंगे पानी और फेविकॉल के साथ। ये ड्रॉपर की हेल्प से मैंने पानी डाला हुआ है। इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे। मैंने एक स्प्रे बॉटल में पानी भर के रखा हुआ है। इस पे हम हाथ पे स्प्रे करेंगे जिससे कि हाथ थोड़ा गीला हो जाए, नमी आ जाए उसमें। और इसके बाद स्पंज या ब्रश की हेल्प से इसको पूरे हाथ पर लगाएंगे और हम एक वाइट शीट पर इसका प्रिंट ले रहे हैं। जहाँ पर ये उठे हुए रहते हैं वहाँ पर हम अच्छे से कलर लगाएंगे। ज़रूरत पड़ने पे थोड़ा पानी मिक्स करेंगे। और इसको हमने इस तरीके से लगाया हुआ है जहाँ पर अभी प्रॉपर नहीं आया है। फिर पानी हाथ पे थोड़ा लगाएंगे, पानी और कलर दोनों लगाएंगे क्योंकि कलर ड्राई हो रहा है। और इसको वापस हम प्रिंट ले रहे हैं। अभी हमने फोर फिंगर लिया था, टू और लेंगे। इस तरीके से हम ये देखिए सिक्स फिंगर कंप्लीट हो जाएंगी हमारी इधर। ब्रश की हेल्प से इसको फिल कर देंगे। जो एरिया ये बचा हुआ है उसको भी हम फिल कर देंगे। इस तरीके से हमने ये कंप्लीट किया। इसको थोड़ा ड्राई होने के लिए रखेंगे। जब तक ये सूखेगा नहीं तब तक हम इस पर वर्क नहीं कर सकते हैं। ये सूख गया। हमने इसमें ऑरेंज कलर लिया बीक बनाने के लिए।
आप चाहें तो स्केच का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका ड्राई होने का थोड़ा वेट करेंगे और हमने यहाँ स्केच की हेल्प से एक सर्कल बनाया आई बनाने के लिए। इसकी आई भी बन गई। अब आप रेड स्केच मार्कर या फिर कलर की हेल्प से इसमें थोड़ी सी आउटलाइन करेंगे। लेग्स बनाएंगे। जब सूख जाएगा तो आपके पास क्रियॉन्स हैं, उसकी हेल्प से भी आप ये वर्क कर सकते हैं। और ये हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया है।